उर्दू भी पूरी समझ आती है और पंजाबी ये भी आती है, क्यों जी? जी, जी आती है ना समझ। ओके ब्रो सी यू लेटर। तो ये गलियां जो होती है ना इनसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। हो गया जी। हाँ आइसक्रीमें बेचने शुरू हो जाती है। अच्छा 7 मीटर हुआ है यार, ये भी सीन सही है लोगों को खुश करने के लिए। और खाई जा रहे, चेक करो इधर दो यार, हमें भी एक बाइट दो। ओए छोटी सिस्टर की गाड़ी है वो सामने, उसको भी आप खड़ा करना। हम कॉल नहीं कहता यार जल्दी आओ, काम है थोड़ा सा, किसी जगह पर जाना। ये चीज चेक करो, हमारे दूल्हा भाई रेडी हो रहे हैं। हो रहे हैं मालिक सही कर रहे हैं भाई, चिट्टा रंग करने वाली, आज दिन को लगा लू ना थोड़ी सी क्रीम होती बाली खुद ना पहले लगा। पहले लड़की तो लेके आए लड़की आपकी सास ही नहीं पैदा हुई। Assalamualaikum, welcome back to my new video। तो यार आ गए वापस, और जिस जिसने अभी तक हमारा मेहंदी वाला व्लॉग नहीं देखा यार अभी जाके व्लॉग देखो, क्या कर रहे हो आप लोग। और जिस जिसने देख लिया उसके साथ लव यू हो गया हमें यार। और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और उस वीडियो को लाइक जरूर करना। और ये चेक करो यार, यो व्हाट्स अप, हाउ आर यू? फाइन, हाउ आर यू? या और यार टेंशन मेंशन नहीं लेनी, उर्दू भी पूरी समझ आती है और पंजाबी ये भी आती है, क्यों जी? आती है ना समझ, समझ आती है ना पूरी पूरी समझ आती है। और ये साथ और भी कोई है कजिन वगैरह, अभी हम जा रहे हैं यार, एक तो इनको मैंने ड्रॉप करना है, तो मैंने उतारना है उधर शादी वाले घर, और फिर एक दो काम है, फिर चलते हैं, अब इनको उतारते हैं और निकलते हैं उस तरफ। ओके ब्रो सी यू लेटर। A few moments later. फ्री हो गया, काम वगैरह हमने सारे खत्म कर लिए हैं, अब हमने जाना है जी जीप की तरफ। मेहंदी वाले व्लॉग से पहले आपको पता होगा हम उससे जीप दे के आए थे, तो जीप हम ले आए थे वापस, सेट वगैरह हो गई थी, लेकिन उसका ना चाबी का कोई प्रॉब्लम हो गया था। फिर मैं उनके पास गया हूँ, मैंने कहा कि यार इसका कोई चाबी का प्रॉब्लम है, इसका कोई सेट करो। वो कहता है भाईजान आज तो आप इसे किसी तरह ले जाए, तो कल मैं इसे सेट कर दूंगा। रात को मैं ले तो आया था उसको, हमने घर के बाहर ही खड़ा कर दिया था क्योंकि मेहंदी थी। रात को जब घर के अंदर करने लगे तो यार ना ही पूछो क्या, पहले धक्के लगाया कोई स्टार्ट हुई, फिर मुझे टो डालना पड़ा तो टो डाल के स्टार्ट हुई, इसके साथ टो डाला है, तो फिर वो बड़ी मुश्किल से हम घर के अंदर उसे लेके गए। आज आया था मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था, वो आ गया था, उसने जीप स्टार्ट कर दी थी वहां पर ही खड़ी करके ही, वो कुछ वायर वगैरह लगाते हैं स्टार्ट हो जाती है। तो उसके बाद फिर कहता है अब छोड़ जो इधर ही, मैं उसको छोड़ आया था जीप को उसके शॉप पर ही, तो अब चलते हैं। अब उसने कॉल किया कहता है जीप वगैरह सेट होगी आप ले जो, अब चलते हैं, अब उसे जीप उठाते हैं बस निकले हैं। यार एक तो ये गलियां जो होती है ना इनसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। हो गया जी। हाँ दिखाए चाबी, बिस्मिल्लाह पढ़ते आप करते हैं जी। ओए होए होए आइसक्रीमें बेचने शुरू हो जाती है। वैसे ये ठीक है, अच्छा अच्छा ये नाला दूर पता लग जाए। बंद हो गया जी, एस जिले चाबी करनी है ना जी, पे थोड़ा दबा लेना जी, ठीक होगा, थैंक यू। ओके जी अल्लाह हाफिज़। चलो जी यार अब निकलते हैं, भाई जीप ले आएंगे साथ साथ यार, अभी चलते हैं। सबसे पहले काम करते हैं जिसमें गैस डलवाते हैं हम, गैस काम है, और ये ना हम कहीं खड़े ही ना हो जाए। आज इसको मैं उठा रहा हूँ साथ में, चलो यार आज चलते हैं। और ये शुएब हमारे पीछे पीछे आ रहा है, वो चेक करो ये पीछे पीछे आ रहा है शुएब। हे शुएब, हेलो। दो सौ सतारह, अच्छा 277 है तो इधर डीजल डीजल वैसे, अच्छा 7 मीटर हुआ है यार, ये भी सीन सही है लोगों को खुश करने के लिए। कल मैंने जीप में भी डलवाया 277 था, 217 एकदम ही हो गया इसका। अभी कुछ बर्गर वगैरह लेने हैं वो लेते हैं इनसे। ओहो मिर्ची हुड ये लग रहे हैं जी। हाँ जी तो यार अब चलते हैं, वो सामने मेरी सिस्टर की गाड़ी है वो सामने, उसको भी अब खड़ा करना है हमने, तो यार चलो अब चलते हैं खड़े करते हैं इन गाड़ियों को। चलो जी ऑफ कर दिया यार, अब निकलते हैं यहाँ से। चलो जी, चलो जी यार, चलो जी यार। हाय 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 खाई जा रहा, खाई जा रहा, इतना बड़ा बर्गर, मुंह से भी बड़ा बर्गर और खाई जा रहा, चेक करो इधर दो यार, हमें भी एक बाइट दो। ओए छोड़, ओए होए मजे का फुल है ना, कैसा मजे का, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे बर्गर देने के लिए, थैंक यू।
पुत्र बन जा तू मनु नहीं जानता मैं तेन पार के रख देंगा। The next day. चलो जी यार चलते हैं। ओए हाय हाय ये चेक करो ना अभी चलते हैं यार अभी वो ये देखो बाल भी अभी मैं नहा के निकल रहा हूँ पहली की कॉल है ये कहता है यार जल्दी आओ कहा मैं थोड़ा सा किसी जगह पर जाना मैं चल आ रहा हूँ मैं तो अभी चलते हैं बस निकलते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। हाँ दिस वन अच्छा चल गाड़ी आंटी को देनी उन्होंने पार्लर पर जाना है। अच्छा तो हम ये ले जाओ ये ऊपर आंटी को चाबी दो तो हम उस हम आपकी गाड़ी पर चलते हैं। चलो यार आ जाओ कोई बात नहीं कोई बात नहीं यार चलो चलो जी यार उनको मैंने उतार दिया बार्बर के पास अब बस जाने मैंने अपनी को और आंटी को भी पार्लर पे छोड़ना बस निकलते हैं यार अब चलो जी निकलते हैं। ये चीज ये लेट हो गया काफी ज्यादा और भाई गुलेज हमें खड़े होके देख रही है अब जल्दी जल्दी देते हैं इनके मेकअप्स की कुछ चीजें जो होती है ना वो रह जाती हैं। अब वो इतनी दूर हमने ये दो पता है कुछ चीजें हैं ये देने जानी है अब चलते हैं यार देने के लिए। चेक करो हमारे दूल्हा भाई रेडी हो रहे हैं हमने रेडी होना बाद में दूल्हे के बाद दूल्हे के बाद हमारा तैयार होंगे क्रीमे वगैरह देख रहे हैं चिट्टा रंग करने वाली आज दिन को लगा लूं थोड़ी सी क्रीम होती बॉलीवुड ना पहले लगा ये एलोवेरा है ये बेरी है और ये पता नहीं कौन कौन सी है देखिए कौन सी है। अच्छा और ये कौन सी एप्पल एप्पल की ये कॉटन की रखा है भाई साहब ये किस लिए होता है क्लीनर के लिए होता है। अच्छा बाली जो है ना हाथ सही नहीं ना करता फिर बाली को जो मार पड़ती है उसमें से वो खून जो है ना साफ होता है। सही है सही है कैसा लग रहा हूँ बस प्यारे लग रहे हैं चलो अभी शादी करते हैं चलो निकलो लड़की पहले लड़की तो लेके आए लड़की आपकी सास ही नहीं पैदा हुई मतलब सास नहीं पैदा हुई साहब भाई आपकी सास पैदा होगी फिर वो बड़ी होगी फिर उनकी शादी होगी फिर उनकी बेटी होगी फिर वो जवान होगी फिर आपको रिश्ता मिलेगा तो तब तक मैं फिर जवान हो जाऊंगा बूढ़े हो जाएंगे आप इंशाल्लाह आप इंतजार करें आप माशाल्लाह आपके पास अभी है 20-25 साल और जवान मीन्स जो वो आगे जवान है। How you feel? Good bro, feel fresh. Huh? Feel very you fresh. Feel fresh? Yeah, very fresh. चले जी दूल्हा हमारा रेडी होना शुरू हो गया है मेकअप वगैरह भी हो गया सारा अब इसको मेकअप कर रहे हैं और इसको पूरा पिंक करना है ठीक है आपने या पूरा गे लगे ये पिंक नहीं करना ब्लैक कर दो तो चले जी अब करते हैं हम इस व्लॉग को यही पॉइंट मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग ब्रात वाले व्लॉग में। हमारा दूल्हा तो रेडी हो गया लेकिन वो भी इस व्लॉग में नहीं दिखाया गया आपको नेक्स्ट व्लॉग में हमारा दूल्हा देखना पड़ेगा तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ ठाठा।